गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स, दैट इज़ कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। पैक्टाइजेशन का बिल्कुल रिवर्स है। पैक्टाइजेशन में तो क्या था, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स को आप कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पर क्या करना है, कोलाइडल सोल्स को न्यूट्रलाइज करके उनको प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस को कोगुलेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर द कोलाइडल पार्टिकल्स सो एज टू चेंज देम इनटू लार्ज साइज पार्टिकल्स विच अल्टीमेटली सेटल डाउन एज द प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर पेप्टाइजेशन का बिल्कुल उल्टा है। इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स पेप्टाइजेशन में भी डलता है, यहाँ पर भी डलता है। कोगुलेशन इज जनरली कैरिड आउट बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन पेप्टाइजेशन में जो इलेक्ट्रोलाइट डलता था वहाँ पर उसे सूटेबल जो इलेक्ट्रोलाइट कहते थे, पेप्टाइजिंग एजेंट के नाम से हम उसे बोलते थे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट डलता है उसके अंदर जो आयन होना चाहिए वो कोलाइडल सोल के चार्ज के अपोजिटली चार्ज आयन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर डलेगा उसका एक आयन जो होगा वो कोलाइडल सोल के चार्ज का अपोजिटली चार्ज आयन होगा। उस आयन को जो कि प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन और कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स की, उसे कोगुलेटिंग आयन और फ्लोक्यूलेटिंग आयन के नाम से हम जानते हैं। द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स मीन्स दैट आयन विच इज़ अपोजिटली चार्ज टू द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, उसको हम कोगुलेटिंग आयन या फ्लोक्यूलेटिंग आयन बोलते हैं। तो पेप्टाइजेशन का जस्ट रिवर्स पार्ट है ये कोगुलेशन जो है। अपोजिटली चार्ज आयन्स को जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज होकर के नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी खींच लेती है उनको नीचे, सेटल डाउन कर देती है बॉटम पर किसी भी बीकर के ऊपर। कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या होती है, ये टर्म्स हैं, इनको हमने जनरली देखना है। यहाँ पर कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू होती है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिली मोल्स में हम जो डालते हैं 1 लीटर कोलाइडल सोल के अंदर टू ब्रिंग आउट इट्स कंप्लीट कोगुलेशन। 1 लीटर कोलाइडल सोल में जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनकी कोगुलेशन करने के लिए कम से कम अमाउंट में जो हम इलेक्ट्रोलाइट मिली मोल्स में ऐड करते हैं उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक टर्म और थी इसकी। हार्डी स्कल्स रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कोगुलेशन को समझने के लिए। हार्डी स्कल्स रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि ये दो रूल्स का सेट है जनरली हमारे पास, कि वो आयंस इलेक्ट्रोलाइट के अफेक्टिव होते हैं इन ब्रिंगिंग आउट कोगुलेशन जिनका चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज के अपोजिट होता है, उन आयंस को हम कोगुलेटिंग आयंस बोलते हैं, जिसके बारे में भी आपको मैंने पीछे भी बताया है। तो हार्डी स्कल्स लॉ का पहला लॉ यही है कि दोज आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर अफेक्टिव इन ब्रिंगिंग आउट कोगुलेशन विच कैरी चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, उन आयंस को हम कोगुलेटिंग आयंस बोलते हैं। दूसरी फॉर्म इसकी ये कहती है कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेटिंग आयन की उतनी ही अच्छी उसकी पावर होगी कोगुलेशन करने की। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिटली चार्ज आयन होगा उसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही अच्छी क्या करेगा, कोगुलेशन करेगा कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स की। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं और करके, इसकी स्टेटमेंट है हार्डी स्कल्स लॉ की कि कोगुलेटिंग पावर ऑफ द आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स वैलेंसी, कि जो वैलेंसी है उसकी 4th पावर, 4 गुना पावर अगर हम कर दें तो इतनी कोगुलेटिंग पावर होती है उस आयन की जो कोगुलेटिंग आयन होता है कोगुलेशन करने की। तो ये हमारे पास जो है हार्डी स्कल्स रूल की 2 स्टेटमेंट्स बनती हैं हमारे पास। जैसे हम इसको एग्जांपल की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ NaCl, MgCl2 एंड AlCl3 इज मोस्ट अफेक्टिव इन कॉजिंग कोगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सोल। मतलब हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है और हमें 3 इलेक्ट्रोलाइट्स दिए गए हैं NaCl, MgCl2 एंड AlCl3, और हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अफेक्टिव होगा किसी नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल की कोगुलेशन करवाने के लिए। तो इसमें आपको देखना है कि किसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा है। अब AlCl3 के अंदर एल्युमिनियम आयंस की +3 चार्ज है इसके ऊपर, MgCl2 में मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, NaCl में Na पर +1 चार्ज है। तो सबसे ज़्यादा वैलेंसी किसकी हुई स्टूडेंट्स, AlCl3 में एल्युमिनियम आयंस की। सो सबसे जल्दी अफेक्टिवली कोगुलेट जो है नेगेटिव सोल को कौन करेंगे,
एल्यूमिनियम आयंस करेंगे. सो AlCl3 जो है इनमें से मोस्ट इफेक्टिव है इन कॉजिंग द कोगुलेशन ऑफ एनी नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सोल. तो ये हार्ड स्कल्स रूल को इलस्ट्रेट करता है एग्जांपल. मेथड्स क्या क्या होते हैं कोगुलेशन के, ये आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं. इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक कोगुलेशन का ही मेथड था जो आपको कल बताया था कि मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपने देखा था कि वो जो कोलाइडल पार्टिकल था इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो अपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ जाकर अट्रैक्ट होता था. नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल था तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वहाँ जा करके वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज ही तो हो जाता है अपोजिटली चार्ज प्लेट के साथ. न्यूट्रलाइज होने के बाद उसका चार्ज खत्म हो जाता है एंड इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर और ट्यूब. तो ये जो चीज़ है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये कोगुलेशन करने का एक तरीका था. प्रोलोंग्ड डायलिसिस, प्रोलोंग्ड का मतलब लंबे समय तक अगर हम डायलिसिस को कैरी आउट कर दें तो वो भी कोगुलेशन में रिजल्ट करती है. बाय हीटिंग और कूलिंग वी कैन कैरी आउट द कोगुलेशन ऑफ द कोलाइडल सोल एंड बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन दैट इज मिक्सिंग ऑफ सिंपली टू अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, उनको मिक्स कर दें तो भी हम क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन कर सकते हैं. तो ये पूछ ली जाती हैं कई बार एग्जाम में, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द कोगुलेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स. नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं आप स्टूडेंट्स इनकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ कोगुलेशन. ये बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं ये कुछ भी अपने जो हैं बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, आप इनको ऐसे ध्यान में रखें. ये सभी क्वेश्चंस हैं विद स्टेटमेंट विद रीज़न आने वाले. अब जैसे सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारे पास कोगुलेशन की, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा व्हेन रिवर मीट्स सी वाटर. ऐसा क्यों होता है, क्यों बनता है डेल्टा जब रिवर जो वाटर है सी वाटर में मिलता है जाकर. अब देखो रिवर वाटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, इट कंटेन्स चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ क्ले. और सी वाटर आपको पता ही है कि इट इज़ द बिग सोर्स ऑफ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो जब रिवर सी के अंदर मीट करती है जाकर, व्हेन रिवर वाटर मीट सी वाटर, तो म्यूचुअल कोगुलेशन अकर्स बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस. जो क्ले है उस पर अलग चार्ज है और सी वाटर के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनमें से कोई एक अपोजिटली चार्ज आयन क्ले के कोलाइडल पार्टिकल्स को सेटल डाउन करके कोगुलेशन हो जाती है. और जिस जगह पर रिवर और सी मीट कर रही होती हैं वहाँ पर डेल्टा की फॉर्मेशन हो जाती है. तो इसमें आपको ये रीज़न लिखना है कि एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन वाई फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टेक्स प्लेस व्हेन रिवर मीट्स सी वाटर. तो आप इसमें यही बताएंगे कि रिवर वाटर में चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ क्ले होते हैं, सी वाटर में वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो म्यूचुअल कोगुलेशन टेक्स प्लेस. इसी प्रकार से सेकंड एप्लीकेशन जो है कोगुलेशन की वो है आर्टिफिशियल रेन. आर्टिफिशियल रेन जो है ये बड़ी एडवांस टेक्निक है. जिस जगह पर बारिश कम होती है वहाँ पर क्या करा जाता है, एरोप्लेन की हेल्प से सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे कर दिया जाता है. अब जो क्लाउड्स हैं उसके अंदर जो हमारे पास जो वाटर है वो वहाँ पर एक चार्ज कोलाइडल पार्टिकल का काम करता है क्लाउड्स के अंदर. तो जब हम सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे करते हैं जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो एरोप्लेन से जब उसका स्प्रे करते हैं तो वो कोगुलेशन हो जाती है कोलाइडल वाटर पार्टिकल्स के साथ, उसकी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की, तो इट लीड्स टू द रेन. तो आर्टिफिशियल रेन जो है वो क्यों होती है, वो भी किसकी वजह से होती है, कोगुलेशन की वजह से होती है. लेदर गेट्स हार्डन्ड आफ्टर टैनिंग, ये भी कोगुलेशन की ही एक एप्लीकेशन है. टैनिंग ऑफ लेदर जो है उसमें हम क्या करते हैं, देखो जो एनिमल की स्किन होती है इससे हमें लेदर मिलता है, तो एनिमल की स्किन जो है दैट इज़ नोन एज हाइड. उसकी नेचर जो है वो कोलाइडल होती है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जबकि जो टैनिंग है उसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं. तो जो हम एनिमल स्किन जिसको हम हाइड बोलते हैं, जब इसको टैनिंग के अंदर डुबो देते हैं कुछ देर के लिए, तो कोगुलेशन हो जाती है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स. क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनिमल स्किन हाइड में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और टैनिंग जिसमें हमने एनिमल स्किन को डुबो दिया कुछ समय के लिए उसमें नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो दोनों में क्या हो जाएगी, म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाएगी और लेदर जो है वो हार्ड हो जाता है आफ्टर टैनिंग. तो ये जो है ये भी कोगुलेशन की एक्सप्लेनेशन है, एप्लीकेशन है कि वाई लेदर गेट्स हार्डन्ड आफ्टर टैनिंग. नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और एप्लीकेशन आती है कि जब हम फिटकड़ी लगाते हैं तो ब्लीडिंग रुक जाती है.
जब हम कई बार शेव कर रहे हैं, शेव करते समय कट लग गया तो ब्लड निकल आता है, उसको तुरंत रोक देती है फिटकड़ी। तो वो कैसे काम करती है, वो भी कोगुलेशन की एप्लीकेशन के अंडर आता है हमारे पास। ब्लीडिंग स्टॉप्स व्हेन एलम इज़ अप्लाइड। एलम जो है फिटकड़ी का, पोटैश एलम बोलते हैं हम। इसका फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट्स, K2SO4.Al2SO4⋅24H2O। इसके अंदर जो है ये एक डबल सॉल्ट होता है, इसके बारे में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ेंगे। इसके अंदर सारे आयंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो एलम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज एल्युमिनियम आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लड जो होता है हमारा, उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे ही फिटकड़ी आप लगाते हैं तो जख्म के ऊपर, तो कोगुलेशन हो जाती है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ब्लड विद द एल्युमिनियम आयंस इन एलम, एंड ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। तो ये इसका एप्लीकेशन है कि व्हाई ब्लीडिंग स्टॉप्स व्हेन एलम इज अप्लाइड। सो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है ये देखेंगे अब हम। एक स्मोक प्रेसिपिटेटर, हम जिसको कोट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं, उसको चिमनी के माउथ के ऊपर लगा देते हैं। जो फैक्ट्रीज में से एग्जॉस्ट निकल रही है, वेस्ट स्मोक निकल रही है, उसके साथ वैरायटी ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स जैसे कि कार्बन भी निकल रही है, आर्सेनिक भी निकल रही हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करें। तो हम क्या करते हैं, उस चिमनी के माउथ पर कुछ भी नहीं है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, दो प्लेट्स लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक नेगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट। तो जैसे ही अब जो हमारी स्मोक निकली चिमनी में से, वो स्मोक क्या है, वो कोलाइडल स्मोक है। उसके अंदर वैरायटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं जैसे कि कार्बन है, आर्सेनिक है और डस्ट है। तो हम चाहते हैं कि स्मोक निकले चिमनी से तो फ्रेश स्मोक निकले। तो होता क्या है, स्मोक जो है दैट इज़ द कोलाइडल सोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स लाइक कार्बन, आर्सेनिक, डस्ट पार्टिकल्स। स्मोक प्रेसिपिटेटर क्या करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट न्यूट्रलाइजेज द चार्ज ऑन कोलाइडल स्मोक पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मान लो स्मोक के अंदर कार्बन है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो कार्बन जो है वो स्मोक प्रेसिपिटेटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई है उसकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। डस्ट पार्टिकल्स मान लो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होकर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो कोगुलेशन ही हो रही है ना एक किस्म से, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है हम इसको कह सकते हैं। एंड स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनीज विल बी फ्री फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल्स। तो इसमें भी वही कोगुलेशन, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन करने का काम करता है ये कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। कोट्रेल इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो इससे फ्रेश स्मोक जो है वो एटमॉस्फेयर में जाती है विदाउट एनी डस्ट पार्टिकल्स और कार्बन पार्टिकल्स और आर्सेनिक पार्टिकल्स विच हार्म्स आर एनवायरमेंट। तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कोगुलेशन। नेक्स्ट जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ इमल्शंस। इमल्शंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम में बताया भी था कि जिसमें दोनों डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम क्या हों, लिक्विड हों, ऐसे कोलाइडल सिस्टम्स को इमल्शंस कहा जाता है। द कोलाइडल सिस्टम्स इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड्स, उन्हें इमल्शंस कहा जाता है। इनको स्टेबलाइज करने के लिए हम इनके अंदर स्टेबलाइजिंग एजेंट्स डालते हैं, इमल्सीफायर्स और इमल्सीफाइंग एजेंट्स। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू स्टेबलाइज द इमल्शंस आर नोन एज इमल्सीफायर्स। जैसे आइसक्रीम के अंदर पुराने समय में एग योक जो है वो डाला जाता था, वो कि इमल्सीफायर का काम करता था। आजकल तो सिंथेटिक इमल्सीफायर्स आ गए हैं, लेकिन पहले हम ये कह सकते हैं कि आइसक्रीम वाज आल्सो नॉन वेजिटेरियन, उसमें एग योक जो है वो इमल्सीफायर के तौर पर मिलाया जाता था ताकि वो जो है स्मूथ बने, उसके अंदर जो है हार्डनेस ना रहे। तो ये इमल्सीफायर्स का काम होता है। इमल्शन स्टूडेंट्स दो टाइप की होती हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शंस और वाटर इन ऑयल इमल्शंस। ऑयल इन वाटर इमल्शंस को हम OW से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑयल इन वाटर हमने लिख दिया तो इसका मतलब है द इमल्शंस इन विच ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेस एंड वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम। ऑयल कम अमाउंट में, वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ऐसे इमल्शन को हम ऑयल इन वाटर इमल्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिल्क, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, विच इज़ एन इमल्शन ऑफ फैट विच इज ऑयली डिस्पर्स्ड इन वाटर।
और डिटोल जो हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, इट इज़ एन इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप ऑन मिक्सिंग विद वाटर। जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन का काम करता है। वाटर इन ऑयल इमल्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेस हो और ऑयल डिस्पर्जन मीडियम हो। जो कोड लीवर ऑयल होता है, जो फिश का जो ऑयल हम जिसको बोलते हैं, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस। तो ये हमारे पास इमल्शंस था। डीमल्सिफिकेशन जो है वो क्या है, इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स ऑफ इमल्शन। इमल्शन के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, अलग अलग करना, इसको डीमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ये करने के कई तरीके हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा करके भी आप क्या कर सकते हैं, इमल्शंस के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। बाय बॉयलिंग और फ्रीजिंग द इमल्शंस यू कैन आल्सो सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ इमल्शंस। तो ये हमारे पास जो है डीमल्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। अब थियोरेटिकली जो है ये हमारा चैप्टर जो है सारा कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और आप इसको सभी फेयर नोटबुक्स में ज़रूर नोट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसको मेटलर्जी बोलते हैं, वो यूनिट स्टार्ट करेंगे। वो आपके 15 मई को जो